सेलेनियम और सेपोनियम, ये तीनों का वर्ब देखिए। सेलेनियम जो वर्ब करता है आपके डिप्रेशन, किसी को है, किसी को अगर डिप्रेशन का केस है और ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करता है। सेलेनियम क्या करता है? डिप्रेशन के केसेस में आप यूज कर सकते हैं और ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करता है, तो मेमोरी वगैरह को बढ़ाता है। कौन? सेलेनियम, जो किसमें पाया जाता है? एलोवेरा में पाया जाता है। अब सैलिसिलिक एसिड अगर आप देखें तो ये कैसा काम करता है? एस्प्रिन की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? अब आपको पता है एस्प्रिन क्या करता है? ये होता है एंटी एंटीकोगुलेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी। अगर आपको बुखार है एस्प्रिन काम करेगा, तो एस्प्रिन अगर हमें देने की जरूरत है तो हम क्या देते हैं उसको? एलोवेरा। अगर उसको कहीं पे सूजन है तो हम उसको क्या दे दें? एलोवेरा। क्योंकि एलोवेरा के अंदर क्या पाया जाता है? सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लस में एंटी पेन है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? एंटी पेन होता है। एंटी मतलब अगर किसी को कहीं पे कोई दर्द है तो आपका क्या काम करेगा? सैलिसिलिक एसिड काम करेगा, और ये आपको कहां मिलने वाला है? एलोवेरा। समझ आ गई बात? तो ये सबसे अच्छी बात होती है। प्लस में सैलिसिलिक एसिड का एक और काम होता है जबरदस्त, अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे पैरों में कट्स पड़ गए, हाथों में कट्स पड़ गए, ठीक है, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, तो वहां पे अगर आप एलोपैथ के पास जाते हैं तो एलोपैथ वाले जो अगर आपको क्रीम, कोई भी क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप देखिए उसके अंदर क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड हमारे कहां है? एलोवेरा। समझ गए? तो इसका मतलब है जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन के हीलिंग के लिए क्या काम आएगा? एलोवेरा काम आएगा। और एलोवेरा काम आने की वजह क्या है आपका? सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? अब कहते हैं जी सेपोनिन क्या करता है? सेपोनिन सोप की तरह बिहेव करता है, एंटीसेप्टिक भी होता है, एंटी फंगल भी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। अब देखिए जरा सा इसका काम। सेपोनिन ने क्या किया? स्किन को साफ किया। उसके बाद स्किन पे जो आपका कोई भी इंफेक्शन है, एंटीसेप्टिक की तरह वर्क किया। फंगल इंफेक्शन है वहां पे काम किया, बैक्टीरियल है वहां पे काम। समझ आ गए? तो ये जो एलोवेरा में सेपोनिन पाया जाता है उसके कारण आपकी स्किन क्या हो गई? सोप की तरह क्या हो गई? इसने क्या किया? क्लीन अप कर दिया। ठीक है, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, समझ आ गई सेपोनिन ने क्या किया। इसके अलावा एक खास बात पाई जाती है एलोवेरा में, लिग्निन। क्या पाया जाता है? लिग्निन क्या करता है? एलोवेरा के बारे में अगर आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा एलोवेरा को हम लोग बहुत पसंद करते हैं। किस लिए पसंद करते हैं? ब्यूटी के कॉन्सेप्ट के लिए पसंद करते हैं। एक तो ब्यूटी के कॉन्सेप्ट में क्या काम आ रहा है, और कहते हैं आप लिग्निन क्या करते हैं? एलोवेरा के अंदर जो लिग्निन पाया जाता है उसका क्या खास बात होता है? लिग्निन की वजह से एलोवेरा 7 layers, स्किन के 7 layers में पेनिट्रेट हो जाता है। मतलब अगर हम 7 layers बना दें यहां पे, ऐसे 7 layers स्किन की बना दें, और अगर मैं यहां पे एलोवेरा लगा दूं, या अगर एलोवेरा लगा दूं, तो 7 layer तक नीचे डिपन चला जाता है। सात लेयर तक जो डिपन चला गया, और जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है? सेपोनिन पाया जा रहा है, और वो 7 layer तक क्या करना है उसने? सफाई करना है, एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करना है, फंगल इंफेक्शन हटाना है। समझ आई? इस वजह से, इसी खास प्रॉपर्टी की वजह से
ये बहुत ज्यादा यूज होता है किसमें, एक्जिमा और सोराइसिस। एक्जिमा और कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसको आप, अगर सोराइसिस और एक्जिमा केस है, अगर उसको आप उठा के एलोवेरा अगर आपने दे दिया तो ऐसा इम्पॉसिबल, सेकंड इम्पॉसिबल बात है कि वो आपको ये कह रहे आके कि मुझे फायदा नहीं हुआ। समझ आ गई बात? तो एक ही चीज देखिए, एलोवेरा उठा के हमें किसी को देना है और एलोवेरा को जान के किसी को देना है। अब आपको पता है कि अगर मैंने एक्जिमा में दिया है या सोराइसिस में मैंने एलोवेरा दिया है तो मुझे क्या क्या पता है क्यों दिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, सेपोनिन पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने क्या करना है, एलोवेरा ने एक्ट करना है, ठीक है, समझ आई? अब देखिए इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अब एंटीऑक्सीडेंट से क्या करना होता है, आपको बार बार मैंने बताया है, इसने क्या करना है, फ्री रेडिकल्स, फ्री को बॉडी पे जो भी फ्री रेडिकल्स, आप सांस ले रहे हो तो फ्री रेडिकल्स जा रहे हैं, है ना, किसी भी तरह से फ्री रेडिकल्स अगर आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है और वो फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में एक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। इसके अलावा किसी को अगर सांस की प्रॉब्लम है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा के अंदर एक खास और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। क्या होती है? लेकिन जहां जहां एंटी वर्ड लगा हुआ है, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, एंटी मतलब, तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है एलोवेरा, एज ए एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी एलोवेरा ने क्या करना है, एंटी एंटी माइक्रोबियल माइक्रोप्लाज्मिक कंपाउंड रिलीज करना है। क्या रिलीज करना है? एंटी माइक्रोप्लाज्मिक कंपाउंड रिलीज करता है। एंटी माइक्रोप्लाज्मिक कंपाउंड में क्या करना होता है, इंटेस्टाइन के अंदर एक एच पायलोराई बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका जिसके पे कोई भी एंटीबायोटिक्स नॉर्मली काम नहीं करता है। समझने बात? एच पायलोराई बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में पाया जाता है कई सारे लोगों के, जिसके कारण उनको पेट में इंटेस्टाइन्स में पेन होना शुरू हो जाता है और उसको अगर मैं एंटीबायोटिक्स कोई भी उठा के एंटीबायोटिक दे दूं तो वो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करता है। लेकिन अगर मैंने उसको एलोवेरा दे दिया तो एलोवेरा ने क्या करना है, एंटी माइक्रोप्लाज्मिक कंपाउंड उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एच पायलोराई बैक्टीरिया को वहां पे डेवलप होने ही नहीं देगा, और जब डेवलप नहीं होगा तो पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ गई? क्लियर? इसके अलावा सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात, एसिमन पॉलीसेकेराइड,
एसिमल पॉलीसेक्राइड। कहते हैं अगर आपको मैं एक बात बताऊं एलोवेरा के बारे में, तो एलोवेरा 13 बिलियन डॉलर्स ग्लोबली, 13 बिलियन डॉलर्स पूरे वर्ल्ड वाइड एनुअल, पर एनुअल एक साल में किसमें यूज होता है, कॉस्मेटिक, फूड आइटम्स एंड मेडिसिन। $13 बिलियन एक साल के अंदर पूरे ग्लोबली अगर देखा जाए, एक साल में इतने का काम सिर्फ एलोवेरा का होता है, समझ सकते हैं? तो कितनी बड़ी चीज आपके पास है एलोवेरा, अगर हम उस एलोवेरा को सोचें समझें और जानें कि एलोवेरा एक्चुअली में क्या चीज है। तो मैंने एक बार मैं रिपीट करता हूं, एलोवेरा के अंदर क्या आता है, विटामिंस ए, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी ट्वेल्व, फॉलिक एसिड, विटामिन सी। यहां पर मैंने बोला बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स और जिंक दोनों को मिलाएं तो वो एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंजाइम को क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट, और वो एंजाइम आपके किसमें काम आता है, डाइजेशन में, राइट। इसके अलावा मैंने बताया कि बहुत सारे क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, मिनरल्स पाए जाते हैं, और मिनरल्स में क्या है, मेनली कैल्शियम है, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और पोटेशियम, सोडियम और सोडियम और पोटेशियम का सबसे खास मुद्दा क्या होता है कि आपके नर्वस सिस्टम पे क्या होता है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी के नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, किसी को नमनेस की प्रॉब्लम है, किसी को सेंसेशन की प्रॉब्लम है, तो अगर हम उसको एलोवेरा देते हैं तो बहुत फाइन रिजल्ट आता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एलोवेरा के अंदर क्या पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, सैलिसिलिक एसिड और सेफोनिन पाया जाता है। सेलेनियम क्या काम करता है, डिप्रेशन में हेल्प करता है और ब्रेन सेल को एक्टिवेट करता है। सैलिसिलिक एसिड के अंदर क्या पाया जाता है, एस्प्रिन, जो कि आप सबको पता है एलोवेरा में एस्प्रिन का नाम सबने सुना है। एस्प्रिन की तरह एक्ट करता है एंटीबायोटिक, मतलब बुखार, बुखार के लिए, प्लस में कहीं इंफ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए उसके लिए, प्लस में पेन कहीं है उसके लिए। इसके अलावा मैंने बताया सेफोनिन में क्या पाया जाता है, सोप वाला एक्शन करता है, क्लीनिंग का, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, राइट। उसके बाद क्या बताया मैंने, लिग्निन पाया जाता है, और लिग्निन की खास बात होती है स्किन के 7 लेयर्स तक पेनिट्रेट हो जाती है वो, और पेनिट्रेट होके क्या काम करती है, क्लींजिंग का, एंटीसेप्टिक का, एंटीफंगल का, एंटीबैक्टीरियल का। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने एलोवेरा दिया है और उसके फेस पे उसका इंप्रेशंस नजर ना आए। अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक छोटी सी लड़की मेरे पास आई क्लिनिक में, और वो एक्चुअली मेरे पास आई है हाइट बढ़ाने के लिए, कि मेरी हाइट बढ़ जाए। और मैंने उस लड़की को जब देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी 50 साल के किसी लेडी को देख रहा हूं, ना उसके चेहरे पे कोई रौनक, ना उसके चेहरे पे कोई, मतलब बिल्कुल डल होता ना, डल फेस, बिल्कुल डल फेस। तो मैंने कहा यार इसको कुछ दूं या नहीं दूं, पहले मैं इसको उठा के क्या देता हूं, एलोवेरा, एटलीस्ट कम से कम इसके पेरेंट्स को और इस बच्चे को जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, उसकी मम्मी कहती है इसको बहुत ज्यादा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स रहती है, ये स्कूल में जाती है तो कम बच्चों से बात करती है क्योंकि इसके चेहरे में चमक नहीं है। तो मैंने कहा हाइट तो देखेंगे बाद में बढ़ेगी, पहले मैंने उठा उसको क्या दे दिया, एलोवेरा दे। और आप हैरान हो जाएंगे एलोवेरा की ये दूसरी बोतल सिर्फ उसकी खुली है और उसके चेहरे पे कई जगह ऐसे वाइट वाइट हो गए, मतलब ब्लैक स्किन हट गई, नाक उसका अलग से चमकना शुरू हो गया वाइट बिल्कुल उसके फेस में बिल्कुल। अगर आप एलोवेरा देते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस गोरा करने का बहुत आसान तरीका है, आप एलोवेरा दे दो वो गोरा हो जाएगा। और ये आपको वजह आपके सामने है, क्यों, क्योंकि वो 7 लेयर्स में डिपन होके क्लीनिंग करती है, अंदर तक जो गंध है उसको वो बाहर निकाल देती है।
इतना ज्यादा अंदर तक जाके कोई भी क्रीम कोई भी चीज काम नहीं करेगी। उसको आप एलोवेरा लगाने दे रहे हो, एलोवेरा हमारे पास लगाने के लिए भी अवेलेबल है और अब हमारे पास पीने के लिए भी अवेलेबल है। दोनों यूज करके देखो आप और रिजल्ट आपके सामने है। उससे भी शानदार एलोवेरा के अंदर क्या पाया जाता है, एसी मेनॉन पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट में अगर आप पता करेंगे देखेंगे गूगल में, यूनाइटेड स्टेट में एलोवेरा से सिर्फ वो लोग क्या निकाल लेते हैं, एसी मेनॉन पॉलीसेकेराइड निकाल लेते हैं जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल जब उसको निकाल के सॉलिडिफाई करते हैं तो वो क्रिस्टल का शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है, एसीमेन पॉलीसेक्राइड को एलोवेरा से निकालना है और इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पता है क्या यूज होता है इनका, इट इज एड्स में यूज करते हैं। इम्यून सिस्टम को ये बूस्टअप कर देता है इसीलिए एड्स में यूज होता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। इम्यून ये बीमारी का नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है वो, एड्स का वायरस क्या कर देता है, कम कर देता है, पावर आपकी बॉडी का कम होता है। और ये जो एसीमेन पॉलीसेकेराइड एलोवेरा में पाया जाता है ये उसका उल्टा काम करता है। तो ये एड्स में काम होता है प्लस में ये एंटी कैंसरस होता है, एंटी कैंसरस। तो अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है वहां एलोवेरा का काम करने की वजह क्या है, एलोवेरा में पाया जाने वाला एसीमेनॉन पॉलीसेकेराइड, एसीमेनॉन पॉलीसेकेराइड ये है जो एलोवेरा को खास बना देता है किसके अगेंस्ट में, एंटी कैंसरस। आज अगर हमारे पास कोई एड्स का पेशेंट आ जाए तो हम सोच में पड़ जाएंगे कि अरे यार हमारे पास कुछ है नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। आप एलोवेरा उसको दीजिए और आप देखिए क्या होता है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। एड्स का पेशेंट है या कोई भी इसी तरह की बीमारी है जिसको हम बोलते हैं एसटीडी, क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो भी ऑर्गन्स होते हैं मेल फीमेल ऑर्गन्स होते हैं वहां पे रैशेस आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, पस फॉर्म हो जाता है, ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप उसको एलोवेरा देते हैं तो एलोवेरा का आपको पता ही है करने क्या वाला है और स्किन उसकी साफ हो जाएगी, ये सबसे खास बात। तो एलोवेरा इसलिए यूज कर सकते हैं हम, एड्स में यूज कर सकते हैं और इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है इसलिए एड्स में यूज होता है, प्लस में ये एंटी कैंसरस, कैंसर में आपको काम आता है। अगर आज से पहले अगर हम देखेंगे तो सबको पता है कि एलोवेरा क्या करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। अरे भाई इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है तो ये भी तो पता होना कि उसमें है क्या जो बढ़ाता है, ये अगर हमें पता होना कि इंग्रेडिएंट उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या ऐसा है। अब हम जब देते हैं ना किसी को और हमें ये पता होता है यार क्यों क्यों दे रहे हैं, यार इसमें तो ऐसी मेनॉन पॉलीसेकेराइड है इसलिए दे रहे हैं, वो जो देने का तरीका और पेशेंट का लेने का तरीका वो जो कॉम्युनिकेट होता है ना आपस में, तो रिजल्ट तो ऐसे रिजल्ट आते हैं। सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, ये नहीं कि अगर आपको किसी पेशेंट ने ये बोल दिया कि यार हमने लिया ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो आपको पता है यार ये केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं लिया उसने जरूर और कोई मिस्टेक्स किए होंगे, और कोई उसने गलती करी होगी, है ना। बिठा के उससे पूछो कि भाई आपने क्या किया ऐसा, तो आप देखोगे कि वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोलेगा जो आपको लगेगा कि नहीं इस बीमारी में तो इसको ये चीज लेना नहीं था, इसने ये लिया है। तो आप एलोवेरा को दोष मत दो, आप उस जो पर्सन आपको कह रहा है कि मुझे रिजल्ट नहीं आया, उस पर्सन में कोई ना कोई कमी है, उसमें कोई ना कोई आप मान लेते हैं कमी की छोटी सी बात है। एलोवेरा लिया उसने 30 ml पानी के साथ पिया और फिर क्या किया उसने, 5 मिनट के अंदर ही मम्मी ने चाय बनाया चाय भी लिया, कॉफी बनाया कॉफी भी लिया। तो भाई अगर आपने एलोवेरा के ऊपर चाय और कॉफी पी लिया तो एलोवेरा एक्ट कहां से करेगा बॉडी में, कभी भी एक्ट नहीं करेगा। एक चीज जो अहम बात है एलोवेरा में, मैं बीच में बता देता हूं आपको, लास्ट में ही बता दूंगा कि एलोवेरा का 30 ml अगर हम एलोवेरा किसी को देते हैं 8 hours
आठ घंटे so, वो काम कर रहा होता है, सेकेंड डोज आठ घंटे से पहले रिपीट नहीं करती। इंटेस्टाइन से उसको बाहर निकलने के लिए पूरा मुंह से लेके इंटेस्टाइन तक जब गया है उसको आठ घंटा कम से कम उसको चाहिए। तो इसका मतलब है सुबह अगर हमने उसको छह बजे दिया है तो फिर हम उसको कितने बजे दे सकते हैं? दो बजे। दो बजे दिया है तो कितने बजे दे सकते हैं? आठ बजे। ठीक है, तो इतने दूर जाने की हमें जरूरत नहीं है। एक बार आप सुबह छह बजे दे दो और एक बार शाम को छह बजे दे दो, पांच बजे दे दो, छह बजे दे दो, दो डोज आप उसको 30 ml 30 ml का दे दो, वो अपना काम कर दे। कम से कम आधा घंटा तो इस पीते हैं, कोई भी चीज पीते हैं तो कहां जाता है? स्टमक में जाता है। तो स्टमक में कम से कम उसको आधा घंटा दीजिए। जब वो स्टमक से आगे बढ़ के ड्यूडिनम में चला जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में चला जाए, तब आप स्टमक में कुछ डालिए। उससे पहले स्टमक में कुछ भी मत डालिए। ये समझ आ गई आपको चीज? इतने साल के बच्चे से शुरू करना चाहिए इसको। एलोवेरा तो देखिए नॉर्मली दो साल से अबव ही करना चाहिए, उसे छोटे बच्चों को रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो तो ऐसे ही बहुत ज्यादा प्योर होते हैं, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं छोटे उनको ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर दो साल से छोटे बच्चे को देना है तो देने का तरीका बदल है। आपने क्या दो साल से छोटा बच्चा है तो वो मम्मी का दूध पी रहा हो कि नहीं पी रहा हो? पी रहा हो ना, तो मम्मी को दे दो। ठीक है, उसके आप मम्मी को दे दो, मम्मी की बात, मम्मी उसको पिएगी, मम्मी के ब्लड में जाएगी, ब्लड को वो क्या करेगा? प्योरीफाई करेगा, और अपने इंग्रेडिएंट, उसके सारे इंग्रेडिएंट कहाँ जाएंगे? ब्लड में जाएंगे, और ब्लड के बाद जब उसका मिल्क फॉर्म होगा उस मिल्क के अंदर वो इंग्रेडिएंट होंगे तो उस बच्चे को उसका इंपैक्ट आ जाएगा। तो कई बार ऐसी चीज भी सामने आती है कि हम बच्चे को नहीं देना चाहते हैं तो हम उस चीज को उसकी मम्मी को दे सकते हैं, और अगर बच्चा दूध पी रहा है तो उस बच्चे में वो पूरा इंपैक्ट आ जाता है। 30 ml पानी के साथ देना है, गर्म पानी के साथ देना है? हाँ, डिपेंड करता है। देखिए पानी के साथ देना है, सर्दी का मौसम है तो हम उसको फ्रिज के पानी में तो डाल के देंगे, तो हम उसको क्या देंगे? गुनगुने पानी में दे देंगे। अगर आपका गर्म मौसम है तो थोड़ा सा अपना नॉर्मल पानी है उसमें डाल के दे देंगे, राइट? तो या ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने 30 ml लिया, ऊपर से पानी मिला दिया, पानी में मिला के पिलाना है, पिला दिया। मुद्दा क्या है कि बॉडी के अंदर एलोवेरा जाए, और बॉडी के अंदर एलोवेरा जाके वो काम कर दे। दोस्तों एलोवेरा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं जिससे आप अगर रिकवर करना शुरू करोगे उसको, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको आप उससे कवर नहीं कर सकते। सारी की सारी बीमारियां आप उसको एलोनियोन नाम का एक केमिकल पाया जाता है एलोवेरा के अंदर, वो डेंजरस होता है। तो जितनी भी अच्छी कंपनीज होती है एलोवेरा का जब जूस बनाती है तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को वहां से हटा देते। नॉर्मल अगर आप एलोवेरा इस्तेमाल करेंगे कहीं का भी तोड़ के आपने इस्तेमाल कर लिया तो अगर वो ज्यादा है केमिकल तो उस समय आपको इतने टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए कोई भी अच्छी कंपनी का एलोवेरा यूज करिए, और आपको टेंशन इसलिए नहीं है कि मोदी केयर में एलोवेरा अवेलेबल है, और मोदी केयर जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है वो अच्छे रिसर्च के थ्रू ही बनाती है, और मैं काफी अच्छा अपनी क्लिनिक में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम रिसर्च नहीं है। आप आराम से मोदी केयर का एलोवेरा यूज कीजिए। देखिए नॉर्मल मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में जो 1500 रुपए का एलोवेरा लोग देते हैं वही एलोवेरा हमें कितने का मिलता है? 498 का मिलता है। तो 1/3 रेट है, फाइन क्वालिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज को
पानी के साथ दे, तो पानी के साथ देने का क्या यूज है? देखिए आप सुबह कपड़ा कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोते हैं उसको वॉशिंग मशीन से निकालते हैं, ऐसा 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 करके रख देते हैं, सूख जाता है, क्या करते हैं? तो अब आपकी सूरज की रोशनी क्या पड़ रही है? सब जगह पड़ रही है। तो आपने क्या बढ़ा दिया? एरिया बढ़ा दिया, एक्शन का एरिया बढ़ा दिया। तो जब आप एलोवेरा को क्या करते हैं, पानी के साथ अगर लेते हैं, तो उसका आपने क्या बढ़ा दिया? एरिया बढ़ा दिया एक्शन करने का। और जब एक्शन करने का एरिया बढ़ गया, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स फैलेगा वो उतना ज्यादा एरिया कवर करेगा, उतना ज्यादा सुदिंग होगा, उतना ज्यादा फाइन वर्क करेगा। समझ रहे? अच्छा काम करेगा। इसका एक एग्जांपल उठाते हैं। आपने होम्योपैथ सुना है? होम्योपैथ में क्या करते हैं जी? 99 रूम